विधानसभा सत्र के स्थगित किए जाने पर मचे हुए घमासान को शांत करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री और प्रवक्ता जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए विधानसभा सत्र को स्थगित करने के फैसले को सही ठहराया है। वहीं उन्होंने बताया कि पार्टी ने आगामी माह में होने वाले पार्टी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए जिला के प्रभारियों को कोविड केयर सेंटरों के रखरखाव व अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के भी सरकार ने निर्देश दिए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान विनोद ठाकुर ने कहा कि भाजपा पार्टी ने निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक नया दायित्ववान कार्यकर्ताओं के सम्मान कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है, जिसके लिए तैयारी पूरी थी, लेकिन कोविड-19 के चलते कार्यक्रम को स्थगित किया गया है। हिमाचल प्रदेश इस निर्णय का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने भी निर्णय लिया कि 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, नए दायित्ववान कार्यकर्ताओं का सम्मान, ऐसा एक कार्यक्रम हमारे पूरे ग्राम केंद्रों के स्तर पर होने वाला था, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, जिसके लिए सब लोगों की, कार्यकर्ताओं के, नेताओं की ड्यूटी लग चुकी थी, परंतु उस कार्यक्रम को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश की सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो भी प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों में जाएंगे और वहां से कोविड से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए कैसे उस संक्रमण से बचा जा सकता है, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उसके ऊपर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखने का भी वो काम करेंगे। ये भी निर्णय हुआ है कि प्रभारी मंत्री कोविड केयर सेंटर्स जो हैं, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर, उनके ऊपर भी नज़र रखेंगे और ये प्रयास करेंगे कि जो लोग अफेक्टेड हैं और वहाँ पे एडमिट हैं या आइसोलेशन में हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उनका इलाज अच्छे से हो सके, ये भी प्रयास हमारी सरकार कर रही है। विनोद ठाकुर ने पंचायती चुनावों पर विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार के पास 25 जनवरी तक का समय चुनावों के लिए है और जैसे ही चुनाव आयोग के आदेश होंगे तुरंत पंचायती राज चुनाव करवाए जाएंगे। वहीं कोविड-19 के खतरे में चुनावों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में SOP के पालन के साथ चुनाव करवाए गए हैं, उसी तर्ज पर भी प्रदेश में भी पंचायती राज चुनाव करवाए जा सकते हैं। कहीं भी नहीं है, कोई डिले नहीं है, हमारे पास 25 जनवरी तक टाइम है जिस तक कि नई पंचायतें बननी है, तो मुझे लगता है कि समय रहते प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है, हमारी तरफ से प्रदेश सरकार से तैयारी है। अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन का निर्णय आएगा या घोषणा होगी हम लोग तैयार हैं। आप देख रहे होंगे सारा सामग्री जिला कार्यालयों में जिला तक उपायुक्तों तक पहुंच रही है, हमारी पूरी तैयारी है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन घोषणा कर देगा हम इलेक्शन के लिए तैयार। बिहार के इलेक्शन में जिस प्रकार से SOP का पालन हुआ, जिस प्रकार से चुनाव कराए गए, वो पूरे विश्व के लिए एक अनुकरणीय तरीका है। यहाँ पे भी SOP का पालन किया जाएगा, जो भी SOPs होंगे, और अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का क्या आदेश आता है उसके बाद ही इन चीजों पे, परंतु अगर इलेक्शन होंगे तो जो भी मापदंड मानदंड बने होंगे उन सब का पालन होगा। विपक्ष के विधानसभा सत्र में चर्चा से भागने के मुद्दे पर विनोद ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को याद होना चाहिए कि सरकार ने मानसून सत्र सबसे लंबा चलाया है और उस सत्र के दौरान कांग्रेस ने भी हो हल्ला ही किया है और सकारात्मक सहयोग या प्रश्न तक नहीं उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रश्न से पीछे नहीं हट रही और बढ़िया काम सरकार ने किया है और जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा सत्र का आयोजन भी किया जाएगा। देश की हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही सबसे लंबा मानसून सत्र चलाया, 15 दिन चलाया। प्रश्न उनके पास है नहीं वैसे जो विपक्ष है, हो हल्ला करना उनका काम है। और बाकी स्टेट्स में जहां मानसून सत्र 1 दिन का 2 दिन का हुआ, हमारी प्रदेश की सरकार ने 15 दिन तक मानसून सत्र चलाया, परंतु उसमें भी कुछ सकारात्मक सहयोग या सकारात्मक प्रश्न विपक्ष की तरफ से नहीं आए, अपितु जो भी वो बर्गल बयान कर सकते थे या चीजें कर सकते थे वही उन्होंने की हैं। सरकार कहीं डर नहीं रही है, सरकार किसी प्रश्न से पीछे नहीं हट रही है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम आज तक किया है।
मुख्यमंत्री जयराम जी ने अपने विवेक से और अपने अच्छे स्वभाव से, अच्छे कार्यों से प्रदेश की जनता का मन जीता है और हमें किसी तरह का कोई संकोच नहीं है। जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, हम प्रयास करेंगे कि उनको पूरा मौका दिया जाए, वो विधानसभा में आए, प्रश्न पूछें, उनका सबका जवाब दिया जाएगा। विपक्ष पर हमला बोलते हुए विनोद ठाकुर ने कहा कि कोविड काल में विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्षी दल से भी आह्वान किया कि संकट के समय में नेता लोगों के बीच जाकर जागरूकता फैलाने का काम करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता भी इस समय राजनीति न करके देश हित प्रदेश हित में काम करें। परंतु इसके साथ ही मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हैं, उनका रवैया बड़ा नकारात्मक है। वो इस निर्णय का भी विरोध कर रही है, जबकि चाहिए उन्हें यह था। मैं उन नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि वो प्रदेश की जनता के बीच में जाएं, वो भी अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि इस वक्त राजनीति ना हो, बल्कि प्रदेश हित में, देश हित में जितना हम प्रयास कर सकें कोविड 19 से बचने के लिए, लोगों को हम जागरूक करें, उन तक जाएं। वहीं भोरंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अनिल धीमान के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर विनोद ठाकुर ने कहा कि ये पार्टी हाईकमान का फैसला इस पर फाइनल होगा। उन्होंने कहा कि अगर अनिल धीमान ने अपनी इच्छा जाहिर की है तो पार्टी इस पर विचार अवश्य करेगी। वहीं अनिल धीमान के द्वारा पार्टी की ओर से अनदेखी और पार्टी की ओर से आमंत्रण न मिलने के प्रश्न पर ठाकुर ने इसे सिरे से नकार दिया। पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चुनाव लड़ने की हर किसी की इच्छा होती है और लड़ने के लिए हर कोई टिकट मांग भी सकता है, घोषणा भी कर सकता है। पार्टी किस तरह से इसको डिसाइड करती है, ये पार्टी के हाई लेवल की बात है, हाई कमांड की बात है। परंतु अगर कोई ऐसा कह रहे हैं तो उनकी मन की इच्छा होगी, उन्होंने जागृत की है, अगर उन्हें जग जाहिर की है तो उसके ऊपर पार्टी सोचेगी भी, विचार भी करेगी। ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं है जी, परंतु एक्स एमएलए होने के नाते उनको हर कार्यक्रम की सूचना, चाहे वो सरकारी हो चाहे पार्टी का हो, उनको सूचना जाती है।